तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट कंप्यूटर कंपनी के बारे में। इस कंपनी के अंदर आपको, जैसे हमने पहले गुप्ता वॉच कंपनी बनाई थी, जैसे हमने उसके अंदर प्रोडक्शन के थ्रू आइटम जनरेट करी थी, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट कंप्यूटर्स कंपनी बनानी है। और इसके अंदर क्या करना है आपको, सेम वैसे ही आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। उनको बोलो, भाविका को बोलो क्लास में, ठीक है। तो आपने कैसे किया था, जैसे गुप्ता वॉच हमने कंपनी बनाई थी यहाँ पर, वैसे आपको क्या करना है पहले, भाभी का क्लास ले लो, अटेंड करो क्लास, बैठ जाओ क्लास है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, वैसे अब यहाँ पर इस कंपनी को बनाएंगे, सेम वैसे ही परचेज डालेंगे सारी की सारी यहाँ पर, ठीक है। परचेज डालने के बाद क्या करेंगे आप, आपको बनाने यहाँ पर बूम, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आइटम को जनरेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारी कंपनी हो चुकी है ना वाली, ये परचेज डाल दी सारी, डाटा कॉपी करके दो, सिर्फ ये कंपनी का लेना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले सिंपल जैसे आप परचेज करते हुए आए, परचेज कर लेंगे सारी की सारी, ठीक है। परचेज करने के बाद यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बनाने बूम। अब क्या है यहाँ पर, बूम में और आइटम के अंदर बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं, ये बूम क्या है आइटम क्या है। बूम है आपका बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि यहाँ पर आप एक अपना पर्सनल नाम दे देते हैं एक आइटम को, जिस नाम से आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा नाम देते हैं यहाँ पर उस आइटम का, वो नाम जिस नाम से आप आगे इसको सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो नाम जो नाम आपको अपने याद के लिए रखना है, दूसरा नाम यहाँ पर वो जो आप यहाँ पर सेल आउट करना चाहते हैं, जो यहाँ पर आपको नाम देना है यहाँ पर आपको वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब वही आइटम है आपकी, एक आइटम को बनाने के लिए सिंगल आइटम की कॉस्ट निकालेंगे। अब बहुत सी बार क्या हो रहा है, मैंने देखा है कुछ बच्चों का, यहाँ पर जब वो यहाँ पर बूम बना रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर आकर, बूम जनरेट कर रहे हैं प्रोडक्शन वाउचर के अंदर, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी की जगह डालने की जगह वो यहाँ पर पूरी की पूरी 50 क्वांटिटी डाल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 50 क्वांटिटी डालनी, तो यहाँ पर ये कहता है कि आप एक क्वांटिटी डाल दो, बाकी क्वांटिटी के जो कैलकुलेशन है मैं खुद से कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ पर अभी आपको एक पीस का डालना है कैलकुलेशन करके, कि एक पीस में हमें बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, उसके बाद ये अपने आप क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा कि आपका कितना रॉ मटेरियल लगेगा बाकी आइटम को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करना है यहाँ पर आपको, आपने ऑलरेडी यहाँ पर परचेज किया हुआ है, बस उठ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले जैसे आप नॉर्मल परचेज करते आए थे, सारा का सारा परचेज करेंगे, पार्टी का एड्रेस वगैरह डाल देंगे यहाँ पर, एड्रेस डाला नहीं आपने यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर एड्रेस डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपको ट्रांसपोर्ट का नाम दिया गया है, ट्रांसपोर्ट का नाम डालेंगे, ठीक है। तो एड्रेस दिया गया, तो एड्रेस आप सारा का सारा डालेंगे यहाँ पर। सिंपल परचेज है आपकी, जैसे आप नॉर्मल परचेज आपने करी है अभी तक। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद बूम बनाना है। तो बूम बनाने के लिए क्या करेंगे आप, बूम बनाने के लिए आपको कहाँ पर आना है, बूम बनाने के लिए आपको आना है कहाँ पर, प्रोडक्शन के अंदर, और यहाँ पर ऐड करेंगे। डेट क्या दी गई आपको यहाँ पर, डेट दी 11,
तो यहाँ पर क्या डाल देंगे आप, बूम नेम, एफ सी से बूम नेम बना देंगे, क्या दिया गया आपको, कंप्यूटर प्रोसेसर i5, ठीक है, बना दिया आपने कंप्यूटर, और यहाँ पर क्या दिया गया प्रोसेसर i5 है ये, तो i5 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप यहाँ से कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर लो, और यहाँ पर एफ सी करके पेस्ट कर दो, पीस के अंदर F2 से सेव कर दो, क्वांटिटी कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 डाल दो, टोटल एक्सपेंसेस पर 20, तो इसके अंदर एक्सपेंसेस नहीं दिए गए, अगर दिए गए हैं तो डालो, नहीं दिए गए तो आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर मेन स्टोर और यहाँ पर भी मेन स्टोर। अब यहाँ पर जो आपके आइटम को बनाने में जो आपका रॉ मटेरियल लग रहा है, वो रॉ मटेरियल आप यहाँ पर क्या करेंगे, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल यहाँ पर डाल देंगे। पहले क्या दिया गया है, गीगाबाइट, F2, 1 पीस, उसके बाद है आपका 1 TB हार्ड डिस्क, उसके बाद क्या दिया गया आपका 16 GB रैम, उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले कार्ड ASUS है, उसके बाद क्या दिया गया आपको कैबिनेट, कैबिनेट कौन सा दिया गया यहाँ पर, कैबिनेट NTEC 750, NTEC तो यही है। उसके बाद क्या दिया गया आपका LCD मॉनिटर, कितने इंच की है, 22 इंच की है, बाईस तो कोई भी नहीं है, LCD तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया आपका कीबोर्ड K4, 1 पीस, उसके बाद क्या दिया गया आपका माउस लॉगिटेक USB, 1 पीस, उसके बाद हार्ड डिस्क है 1 पीस, और ये है आपका, ये भी हार्ड डिस्क है, वनडी में दूसरी, उसके बाद क्या दिया गया आपका स्पीकर, वन पीस, ठीक है। F2 से सेव कर दें, कितने पीस बने, 10। तो ये हमने क्या बना लिया यहाँ पर, कंप्यूटर पार्ट्स बना लिए, क्या है कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उससे हमने यहाँ पर कंप्यूटर असेंबल किया है यहाँ पर। आप जो सेव कर दो, ठीक है, क्लियर है, तो ये असेंबल हो गया। उसके बाद दोबारा अनअसेंबल करना है, तो अनअसेंबल करने के लिए क्या करोगे आप, डेट 13 तारीख, कंप्यूटर ये कितने पीस अनअसेंबल किए, 2, तो आगे अपने आप आ जाएगा F2 से, ठीक है, क्लियर है। ये वाला आप खुद से बना लेना, और बनाने के बाद सिंपल वही सेल करनी है और कमीशन रेट डालना है जैसे आपने ब्रोकर वाला डाला था, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पर सिंपल वही आपकी कैश बुक और बैंक बुक आपको डालनी है, कमीशन प्लस नहीं करना, कमीशन उसके अकाउंट में पोस्ट होना चाहिए जो भी आपका एजेंट है, ठीक है। तो कैसे कमीशन वाला दोबारा बताऊं, ये कमीशन वाला कर लोगे, एक बता दें, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आओगे, फीचर ऑप्शन में, अकाउंट्स के अंदर, और यहाँ चालू कर लोगे क्या, सेल्समैन ब्रोकर वाइज, परचेज में तो चाहिए नहीं हमें, ना हमें पेमेंट रिसीप पे चाहिए, हमें इसमें चाहिए बस, ठीक है। तो कमीशन के लिए आप ये सभी ऑप्शन को यहाँ पर क्या करोगे, यस करके रखोगे, यस करोगे उसको F2 से सेव कर दो, ठीक है, हो जाएगा सेव। उसके बाद क्या करोगे फिर आप आगे आओगे, जब सेल करोगे कॉस्टिंग निकाल कर,
आप कह रहे हैं कितने का पीस बना है यहाँ पर, कह रहा है एक पीस का 70% निकाल लो, 10% आइटम वाइज डिस्काउंट, और जीएसटी अगर लगाना है तो जीएसटी लगा दो, नहीं लगाना है तो यहाँ पर भी आप नो कर दो, क्योंकि हमने विदाउट जीएसटी बनाई है कंपनी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 70% निकाल लो किसका, जितने का हमारा प्रोडक्ट बना है। कैसे निकालेंगे रोहित, कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ, देखो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो भी हाथ हाथ पूछ लोगे, आप क्या पूछते नहीं हो। प्रोडक्शन में आप आओगे, लिस्ट निकाल लोगे यहाँ से, और जितने का एक पीस बना है 5,545 का, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, F10 कर लो, 5,545 गुणा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस, ठीक है, एंटर करोगे तो ये आपका क्या आ गया, सेल का प्राइस आ गया निकल के। अब इसका MRP तो निकालना नहीं है, बस आप जो सेव कर दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। और जो आप सेल करोगे, डेट डाल दिया आपने यहाँ पर, बाकी पार्टी आप खुद से बना लेना, मैं कैश डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कितने पीस सेल किया आपने, 1 पीस, प्राइस आ गया, और क्या देना है इस बार, कमीशन भी देना है, किसको, कुणाल को। तो F3 से बनाओ कुणाल, और यहाँ पर क्या डाल दोगे आप, यस करोगे, परसेंटेज है ना 25%, यहाँ पर 25 डाल दो, और F3 यहाँ क्या बना लो, क्या बना लो, कुणाल ग्रुप के अंदर इंडिकेटर अप टू द सेल स्पेसिफिक अकाउंट हेयर, और यहाँ डाल दो क्या, कमीशन ऑन अप टू से। अब लेजर जब निकालोगे कुणाल का, यहाँ पर देखोगे कितना जाएगा, डिस्काउंट लगा लो, आइटम का डिस्काउंट लगा लो, ठीक है। ब्राउज़र कॉन्फ़िगरेशन में आओ, सेल के अंदर, और वही आपका सिंपल आइटम वाइज डिस्काउंट चालू कर लो, ठीक है। ये सारे ऑप्शन ना आपको खुद से याद होने चाहिए, कब कब क्या क्या होगा, ठीक है। ये आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो सारी क्लासेस होंगी, सारे ऑप्शन करवाऊंगा, डिस्प्ले, रीजनल डिस्प्ले, जनरल अकाउंट, इन्वेंट्री वैट GST, एक्साइज सर्विस, TDS, पोस्ट इन्वेंट्री और इंक्वायरी सपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस करवाऊंगा। उसके बाद बिल टू शिफ्ट डाल दो यहाँ पर, बिल टू शिफ्ट के लिए यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, बिल टू शिफ्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन में आओ, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, सेल के अंदर, और यहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से चालू कर देगा ऑप्शन सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर ओके करके सेव कर दो, सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप सेल करोगे पार्टी को ना, साइड बताओ, कोई नहीं साइड पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिजी से बिल बनाते हो तो यहाँ पर देखो एस पर सेपरेट मास्टर, और यहाँ पर जो आपका जहाँ आपको गुड्स को डिस्पैच करना है वो यहाँ पर डिस्पैच का एड्रेस, जहाँ पर ये तो पार्टी का GST नंबर है, यहाँ पर पार्टी का रजिस्टर्ड है, इस एड्रेस से आपने बोला कि मेरा ऑफिस जो है यहाँ पर रहेगा, और जो मेरा गोडाउन है वो दिलशाद गार्डन में रहेगा, तो आप क्या करो, जब भी मैं गुड्स आई मेरे वो दिशा गार्डन में चाहिए, और बिल यहाँ पर मेरा ऑफिस में भेज दो। उसका तो फिर IGST लगेगा आपका, UP कैसे माल भेज दोगे, अभी
यहाँ पर भेजोगे तो वो वार्निंग देता है बिजी का कि गलत डाल लो यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो। हाँ ठीक है, देखें यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर डिटेल डाल दोगे आप और उसके साथ साथ क्या कर दोगे आप यहाँ पर, ये तो हो गया यहाँ से। अगर बिजनेस बनाना है तो बिजनेस तो बनाना आता ही आप लोगों को, ऑटोमेटिक बनता है बिजनेस से, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस आपको कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने आपको पहले बताई थी चालू करने के लिए, वो ऑन कर लोगे बिजनेस ही बन जाएगा। लेकिन आपको साइट से जाके बनाना है तो वहाँ पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गूगल पे आप आओ और यहाँ पर वही लिख दो, या फिर देखो बिजनेस से भी आप डाल सकते हो जीएसटी के पोर्टल पर, इस पर क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। ये ईमेल का पोर्टल आ गया आपका, ये आपका ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड होता है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपने नया जीएसटी नंबर लिया है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ई वी बिल के अंदर, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से रजिस्टर कर दो, जीएसटी नंबर डालो, ओटीपी डालो और अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, अपना यूजर आईडी पासवर्ड खुद से डिसाइड कर लो। रिटर्न के लिए अलग पासवर्ड जनरेट होता है और इसके लिए आप अलग पासवर्ड रखना चाहें तो आप अलग पासवर्ड यहाँ पर इसका रख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पर नहीं है? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको यहाँ पर, ये देखो अब लॉगिन करना है तो लॉगिन करोगे ईमेल के अंदर और यहाँ पर क्या डाल दोगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड। जैसे आप बाकी सब चीज़ों को लॉगिन करते हैं वैसे आप इसको भी लॉगिन करेंगे। इसको यहाँ से एग्जिट कर दो, ठीक है। और ईमेल बनाना है तो क्या करोगे, ईमेल में आओगे और जनरेटिव, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या दिया गया, इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड फॉर ईमेल, यानी कि जो भी रेड्स हैं आपकी है ये आपको भरना फिल करना ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो क्या है, बहुत कम लोग यहाँ से ईमेल बनाते हैं, इसमें क्या लेंथी प्रोसेस है आपका और मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये से बनाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कर लो, है तो वहाँ टैली से बनता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको वो लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो क्या कर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या आएगा, सप्लाई टाइप क्या है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है। आउटवर्ड इनवर्ड का क्या मतलब, अगर आपने सेल करा है तो आउटवर्ड और आपने परचेज किया तो इनवर्ड। तो परचेज के अंदर तो आपका ई वे ऑटोमेटिक बना हुआ मिलता है आपको, आउटवर्ड के अंदर क्या होता है आपका, आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर आपका। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद सप्लाई टाइप क्या है आपका, एक्सपोर्ट है, जोवा है, एस के डी है, सी के डी है, लॉट्स है यहाँ पर, तो या फिर अदर है। तो आपने कहा क्या है आपका, सप्लाई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, बिल ऑफ सप्लाई है या फिर टैक्स इनवॉइस है। बिल ऑफ सप्लाई है बेसिकली कंपोज डीलर के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर, बिल ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस आपका रेगुलर डीलर के लिए। तो यहाँ पर आप डालोगे टैक्स इनवॉइस और यहाँ पर आपका क्या, डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपका बिल नंबर है, ठीक है, बिल नंबर डाल दोगे आपका जो भी है। जैसे यहाँ पर आपने यहाँ बिल बनाया हुआ है, जैसे ये है G52/2019-20, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको G52/2019-20। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपकी डेट, किस डेट का आपको ई बिल बनाना है, आज की डेट का बनाना है या कल की डेट का बनाना है। इसमें एक चीज़ याद रखना, पीछे की डेट का हम ई बिल बना सकते हैं लेकिन आगे की डेट का नहीं बना सकते। जैसे मैंने बोला 4 को डेट, 4 की डेट का मुझे ई बिल बनाना है तो 4 का बन जाएगा, पीछे का बन जाएगा। और जैसे आपने कहा 6 का बनाना है, 6 का आगे का नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, बैक डेट बन जाएगा लेकिन आगे की डेट का नहीं बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, जी डेट का बनाना, वो डेट लोगे यहाँ पर। सप्लाई सप्लाई क्या है, बिल टू शिप टू है या बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है। तो यहाँ पर आपने कहा बिल टू
शिफ्ट टू। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, बिल टू और शिफ्ट टू। यहाँ पर क्या डाल दो, नाम वगैरह जो भी आपका जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पर देखो, अगर जीएसटी नंबर आप डाल देते हो यहाँ पर तो बाकी डिटेल खुद से अपने आप आ जाएंगे यहाँ पर। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं कोई जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, जैसे ये जीएसटी नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो बाकी देखो डिटेल यहाँ पर आ गया आपकी। तो आपने कहा यहाँ तो जाएगा नहीं, जहाँ जाएगा वहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइटम डाल के अपना सेव कर दो, जो भी यहाँ पर भी आपको भेजना है। बाकी सब वही आम सेव आइटम डालोगे, जो आइटम आपने सेल करी है उसका नाम, डिस्क्रिप्शन क्या हैगा, डिस्काउंट लगाना तो फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू है, जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो वैल्यू डालोगे यहाँ पर। और बिजनेस क्या आपका डायरेक्ट बन जाता है वहाँ पर, आपको बनाना नहीं पड़ता बार बार। देखो इसमें ऑटो पिन भी कैलकुलेट कर लेता है आपको खुद से। बिजी के अंदर क्या दिया गया आपका, ऑटोमेटिक ऑप्शन है ऑटोमेटिक पिन टू पिन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर। ये देखो जैसे कि जब आप ईविल को बनाते हैं ना तो आपसे पूछते हैं डिस्टेंस क्या है आपका, जैसे कि आप जहाँ माल भेज रहे हैं यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस डालना पड़ता है। तो बिजी में देखो ये अपडेट हैगी ऑटोमेटिक, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि डिस्टेंस क्या है, लेकिन ये अभी आपका क्या है डेमो मोड में, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करेगा। जहाँ आपने बिजी को परचेज कर रखा है डिस्टेंस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्टेंस क्लिक करके डाल देगा। यहाँ पर पहले आप पिन कोड डाल दो अपने एरिया का, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है, चेक करोगे तभी आपका क्या है तभी आपने डेमो में परचेज किया था कि कैलकुलेट नहीं कर रहा, वरना यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, ये डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेगा आपका यहाँ पर। तो आप कोशिश करा करो कि बिजी के अंदर ऑटोमेटिक ईमेल बनाने का तरीका है उससे बनाओ, टाइम कम कंज्यूम होगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे और आपका बनाने का तरीका आसान रहेगा। आपको अलग अलग जहाँ पर जाके बनाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर जाते हो आप, यहाँ पर सारी डिटेल आपको मैनुअल भरनी पड़ती है, वहाँ इसमें आपकी गलती होने के बहुत चांसेस हैं। बस ट्रांसपोर्ट का नाम डालोगे, बाकी सब चीज़ें तो आप डालते ही हो, सब डालोगे, ऑटोमेटिक डिस्टेंस भी खुद से कैलकुलेट करता है आपका और ई वे भी। किसमें, बिल के अंदर या उसके अंदर, जी एस टी यहाँ पर साइट पे तो सेव नहीं होती आपकी, बिजी के अंदर सेव हो जाती है आपकी। जैसे बिजी के अंदर आप डालोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। ये देखो ये, अब यहाँ पर चेंज करना चाहोगे ना चेंज आएगी, अपने आप आ जाएगा जीएसटी नंबर भी अपने आप आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, जब आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है ना गुड्स, तो इसके अंदर आपको क्या है एक ही पार्ट बनना होता है। वैसे कि ई मेल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आप क्या करते हो, पार्ट ए बना देते हो, पार्ट बी उस पार्टी को देते हो बनाने के लिए। यानी कि उसके अंदर क्या डालना पड़ता है आपको, व्हीकल नंबर डालना पड़ता है। व्हीकल नंबर ट्रांसपोर्टर खुद से डालता है और आगे गुड्स को भेज देता है बनाने के लिए। ठीक है, पूछो वैसे अलग अलग डालने में डाल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अगर आपको एक साथ ओपनिंग बैलेंस डालना है ना, तो क्या करोगे आप, मास्टर में आओ, यहाँ पर मिलेगा आपको बल्क अपडेशन, ये रहा बल्क अपडेशन, और इसमें मिलेगा आप क्या है अपडेट मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। यहाँ पर क्या करो आप, एक साथ आपको 50 भी अकाउंट बनाने हैं तो 50 अकाउंट बना सकते हो आप, यहाँ पर बना हुआ तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ से, नेम लोड मास्टर ग्रुप डाल दो, सन्डरी डेटर्स शो लिस्ट ऑल अपडेट हो जाएंगे सारे के सारे। मॉडिफाई नहीं कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं।
कैंसिल कैंसिल कर दो, उसके बाद फिर आप दोबारा ई मेल बना दो और उसके अंदर रीज़न डाल देना, रीज़न डाल देना, सुनो रीज़न डाल देना, डाटा एंट्री मिस्टेक, ठीक है। रीज़न क्या डालोगे आप, डाटा एंट्री मिस्टेक डाल दोगे और फिर आप बना लोगे। देखो यहाँ पर पूरे इस तरह से आ गए, अब जो मॉडिफाई करना मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आइटम देख सकते हैं यहाँ पर, देखो डिस्प्ले में आओ और स्टॉक स्टेटस में आके देख लो, या फिर आप एक काम करो, यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था बनाने के लिए, कस्टम कॉलम बता देना, कस्टम कॉलम बना लो और एचएसएन नाम नंबर डाल दो, एचएसएन कोड हर एक आइटम का क्या आ जाएगा, एचएसएन कोड आ जाएगा। अब ये चीज़ ना आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी, सब आ जाएगा आपका जो आपको चाहिए है, शॉर्टकट हो जाएगा आपका, सारी चीज़ें आप खुद से बना सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हो आपको जो रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और किसी को कुछ पूछना है क्या, कोई डाउट है तुम्हारा, तुम्हारा प्रदीप पूछा, पूछना कुछ पूछना है कुछ आपको, हाँ अभी आपको क्लास में हुई ना आपको, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो बाकी इसकी आप प्रैक्टिस करनी है आपको, आज क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं।